बुलवाड़े से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद एक जनसभा आयोजित की जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। अशोक गहलोत कांग्रेस का एक बड़ा नाम बुलवाड़ा में पहुंचे तो जमकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करी और मोदी पर निशाना साध। उन्होंने जमकर मोदी के द्वारा पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर कई सवाल खड़े किए। क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आप देखिए इस वीडियो में और हमारे वीडियो के साथ साथ आप हमारे चैनल बुलवाड़ा लोकवाणी को भी सब्सक्राइब करें। बातें बहुत बोलनी थी, समय बहुत कम है क्योंकि हेलीकॉप्टर 6 बजे के बाद में उड़ नहीं पाएगा। 6 बजे 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। इसी मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने, जोगी जी ने कह दी, चीफ जोशी साहब ने खुद ने कह दी, आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, क्या हो रहा देश के अंदर, लोग तुम्हें खतरे में है, डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोग कहते आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये खतरा मंडरा रहा देश पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड इसका बड़ा करप्शन हुआ है कि इस एक इलेक्ट्रल बॉन्ड ने करप्शन से सरकार जा सकती है, देश में हो सकती है। अगर अमेरिका होता तो पता नहीं राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता। क्या बात करो, ईडी बेरो घर में छापा डालो, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, एक तो कंपनी दिए 500 करोड़ रुपये दिए, एक ने दिए 800 करोड़ दिए। आप बताओ छापे डाल डाले पैसे ले रहे हो और फिर भी मोदी जी उस पर डिफेंड कर रहे हैं कि देखो ये तुमने ऑफिशियली पैसे ले लिया है। पहले क्या होता था, चिंता लगी हुई है, बहुत बड़ी चिंता है देश के सामने, बहुत बड़ी चिंता है। ये कोई कहने के लिए नहीं कह रहे वोट लेने के लिए, ना कोई राजनीतिक बात कर रहा, खतरा बहुत बड़ा है। सब ने कोशिश करो, जनता भी नहीं समझ पा रही है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही राजनीति कर रही है, वोट दे रही है। जब लोकतंत्र का चुनाव होगा ही नहीं तो मीटिंग काहे की होगी। आज तो गांधी ने, नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, अम्बेडकर ने संविधान दिया कि मीटिंग करनी पड़ती है गाँव गाँव में, सब हाथ लगाना पड़ता है, गरीब से गरीब आदमी सहयोग, मुख्यमंत्री हमें एमपी हो गया सरकार में होता है, वोट मांगना पड़ता है, मान सम्मान का गरीब आदमी क्या होगा अगर चुनाव नहीं होंगे। जो भाषा बोली जा रही है खत्म है भाषा बोली जा रही है, इतने हाथ जोड़ के हम करना चाहते हैं। मीडिया वाले तो चाहे तब आप कह रहे हो, ये खुद ही मीडिया है, कोई नहीं दिखाता हमको, मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ लोग दिखाएंगे इसमें, लोकल मीडिया वाले दिखाएंगे, लोकल मीडिया वाले दिखाएंगे, राष्ट्रीय मीडिया वाले दबाव में है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, उनमें हिंदी भाई लोग हैं, कोई मीडिया वाले ही है, पत्रकार साहित्यकार लेखक है, अच्छे विचार विमर्श करते हैं, आप लोग उनको देखना चाहिए यूट्यूब के अंदर, इतने अच्छे से डिस्कशन होते हैं उसके अंदर, आप देखो उसको, वास्तविक नजर तो आएगी आपको देश में हो क्या रहा है। वो भी मीडिया ने दिखा रहा है ना दिखाएगा, और बिना उनके काम नहीं चल सकता। कांग्रेस का शासन था, यदि मीडिया दिखाता दिल्ली वाला, लिखते अखबार वाले, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है अखबार वाले लिखने वालों की, गाँव वाले कहते अरे छपावा है, छपावा मतलब ये तो सही हो गई होगा चाहे कितने गलत हो, तो ये मीडिया के बगैर इश्यू नहीं बनता है, इश्यू नहीं बनता तो जनता भ्रमित रहती है और कभी लोकतंत्र खत्म हो गया तो इतिहास इन मीडिया वालों में माफ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, खत्म आ गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत खतरनाक स्थिति में गुजर रहे हैं, सब ने कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, और उसके बाद में आपको इस चुनाव में मैं तो भागीदारी निभानी चाहिए, लोकतंत्र ये जिससे आप बता सकते हो हमने अच्छे काम किए, सरकार नहीं बनी हमारी, वो काम मैं नहीं अभी गिना सकता आपको, कितने झूठ बोले गए कदा लाल आपका उदयपुर का, 2 घंटे मैंने मुल्टी पकड़ लिया, 50 लाख का पैकेज पहली बार दे रहा था किसी को, 2 नौकरी दे दी, और मोदी जी उनके दोस्त लोग बोले हैं हिंदू को तो दिया 5 लाख कदा लाल में, तो मुसलमान को दे दिया 50 लाख, हिंदुस्तान पर भी बदलाव किया हम लोग, झूठ बोल बोल करके सरकार में आ गए लोग,
अब खोल खोल ही गांव गांव में लोग तारीफ करें हमारी योजनाओं की, पूरे देश भर में तारीफ होती है। नई सरकार जो बनी वो काम कर नहीं पा रही अभी भी, ऐसी स्थिति में अपन लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान रखें कि डॉक्टर सीपी जोशी जैसा उम्मीदवार आपको मिला है, 42 साल हो गए इनको जब एमएलए बने, पहली बार मेरे साथ 42 साल का 43 साल का संबंध है इनके साथ में। जिस पद पे रहे अपनी अमित शाह छोड़िए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो मेरे साथ में काम किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जब मैं अध्यक्ष था, चाहे मेरे मंत्री रहे पंजाब राज मंत्री राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला का आइडिया इनका था, ये दुर्गाधर ने हिंदी स्कूल खोली, इस बार अंग्रेजी स्कूल खोली गाँव गाँव में, आइडिया दुर्गाधर राम का था, गरीब आदमी जाके पढ़ सकता है इंग्लिश स्कूल पढ़ सकता है, क्रांतिकारी काम हो गया, इंग्लिश की जरूरत आज भविष्य बनाने के लिए। इन्होंने उसको शानदार काम किया पंजाब राज में, ये गए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बने, राजीव गांधी सेवा केंद्र खोल दिए साथ में राजस्थान में, हमने पहले हमने करी, इनका आइडिया था, पता नहीं कितने काम करने किए होंगे, नेशनल हाईवे जोड़ दिया आपके बिडौना को चारों ओर से, हर बिडौना से तो गरीब गरीब आपको जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, मेमो कोई फैक्ट्री ला रहे थे, कितने लोग रोजगार मिलता है यहाँ पर, तो रेल मंत्री बनेगी उनको खत्म कर दिया गया, इस चीज कारखाने का जो होना चाहिए जो नहीं हो पाया, कितनी बातें बताऊं आपको। और एमपी बनते ही चंबल का पानी, या तो कांग्रेस घाटे का पानी जो था छोटी योजना देवेंद्र सिंह रिवर के मुझे कहा जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब वो आई थी, उसके बाद में सिटी योजना बने, मैं पार्लियामेंट केंद्रीय मंत्री बने और हमने घोषणा करी, बड़ी बड़ी कहने मैंने घोषणा करी पानी आना चाहिए चंबल का। मुझे खुशी है कि सिपी जोशी जी के प्रयास से वो पानी की योजना पूरी हुई, चंबल का पानी किसे कहना पीने वाला पसंद है, कैसे पानी पीते थे आपने पहले, तो आप सोच सकते हो इस प्रकार से मेरा काम था। मेरे वक्त में याशी महामंत्री बने, शानदार काम किया, इसी मैंने कहा ना आपको स्पीकर के रूप में आप पढ़ते होंगे इस असेंबली करके राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को स्पीकर को तमाम नेताओं को बुलाया यहाँ पर, इन्होंने बड़े बड़े नेता वहां पर आए, जहां कहीं गए देश के अंदर, यहाँ खुद जयपुर में करवाया इन्होंने लोकसभा की स्पीकर की कॉन्फ्रेंस करवाई, अपने पेशा में आई पूरे देश के अंदर स्पीकर के अंदर जितने हिंदुस्तान के राज्यों में स्पीकर है उनमें नंबर वन पहचान सीपी जोशी की बनी है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस बात को सब लोग मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ऐसा नुमाइंदा एमपी तो कोई बन सकता है, चॉइस एमपी बन गए बीजेपी के, कोई आवाज उठाई राजस्थान की तो की ना ईआरसीपी उठाई ना यमुना की उठाई ना इंटरस्टेट के कोई पानी की योजना की उठाई ना कोई प्रॉब्लम, डरते मोदी जी से अमित शाह दबंग आदमी है, जाएंगे दबंग हो गए पहली करेंगे आपकी, ये आपकी नहीं करेंगे पूरे राजस्थान की करेंगे दिमाग के अंदर वो व्यक्ति है, अब आपके ऊपर है चुनाव चुनाव होते देखो चुनाव चुनाव होते हैं, कहता उनके पास भरमार है इस प्रकार का दूध मचा हुआ देश के अंदर, खाते बंद कर लिए कांग्रेस के बाबा खाते बंद कर दिए, यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना पड़ा ये मजाक बना रखी है हिंदुस्तान के अंदर।